हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठी और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि मेरे इतने सारे सफ़ेद बाल। यार मैं देख के ना हैरान थी, आगे के बाल ना सफ़ेद होने लग गए। लोग कहेंगे अभी से बुढ़िया हो गई है। मैंने कहा अब क्या करूं, सारे बच्चे लोग सोए हुए हैं सुबह सुबह ही, तो मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने देखा अंदर मेरे पास गार्नियर का कलर पड़ा है, तो मैंने कहा इसको लगा लेती हूँ क्योंकि जल्दी से काम भी हो जाएगा और फटाफट से ये भी लग जाएगा क्योंकि मेहंदी लगाने में टाइम लगता है। तो हेलो जी, मैं हूँ किरण जोशी। चलिए जी, चलते हैं मेरे घर के अंदर, कुछ काम धाम में लग जाते हैं सुबह सुबह। तो मैंने किया दूध गर्म क्योंकि कंट्री लाइट का दूध आ चुका है और एक एक बूंद बूंद मैंने निकालनी है क्योंकि ना वेस्ट नहीं होना चाहिए, पैसे पड़ रहे भाई। उसके बाद नाश्ते का भी कुछ देख लेते हैं। तो आज मैंने चने भिगा के रखे हुए थे, वाइट वाले छोले रात से, तो इनको बॉईल करने के लिए रख लेते हैं। और फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पर हाथ से थपोड़ने में क्योंकि मेरे को ग्लव्स या ब्रब्स नहीं मिला और मैं ये ढूंढने में टाइम वेस्ट करूँगी तो बच्चे उठ जाएंगे, इसलिए मैं लग गई हूँ जी, कोई बात नहीं। उसके बाद ये थपोड़ के मैंने बाल बाल बांध दिए और मैं लग रही हूँ एकदम पागल जैसी, पर कोई बात नहीं, फिर मैं लग गई और कामों में। तब तक करते हैं दूसरे काम। मैंने पकड़ा झाड़ू और मैं झाड़ू पोछा में लग गई हूँ क्योंकि बच्चों के उठने से पहले ये सब काम करना मुझे। फिर मैं घर वर को साफ कर कर आ गई और मैं नहा चुकी हूँ बच्चों के उठने से पहले, और मेरे बाल एकदम काले जड़ जड़े एकदम भैंस की तरह लग रहे हैं, अभी एकदम भैंस लग रही हूँ मैं। चलो जी, ये काम हो गया, मैं चली गई बच्चों को उठाने। जैसे कूलर बंद किया, दरसू उठ चुकी है और शिविश भी हिलने लगा। मैंने कहा अब चलो फटाफट से नाश्ता करते हैं। फिर नाश्ता में मैंने छोले बना दिए थे। मैंने क्या, शिविश के पापा ने बना दिए थे। मैं नहाने गई हुई थी तो शिविश के पापा उठ चुके थे, तो उन्होंने छोले बना दिए और दरसू यहाँ पर पी रहे पानी। शिविश कर रहे नखरे कि मुझे नहीं खाना है, उसके लिए भिंडी और रोटी थी तो उसने वही खाया। फिर दिन की तैयारी तो करनी होती है, तो मैं लग गई हूँ यहाँ पर पालक को काटने में क्योंकि आज बनेगा पालक का ही कुछ बनना है। तो आज मैं बनाऊंगी पलाव और थोड़ा सा टपकिया, बस मज़ा ही आ जाएगा। तो उसके बाद शिविश के पापा ऑफिस जाएंगे। मैंने चढ़ा दिया भात, यहाँ पे बन रही है हमारी फेवरेट कढ़ी, झोली जो भी बोलिए, और ये रहा थोड़ा सा टपकिया यानी सब्जी, और ये रहा खीरा, और ये रही हमारी लाल मिर्च भुनी हुई क्योंकि ये तो होता ही है, तो मुँह में पानी आ गया ये सब देखते ही। तो ये लग गई है जी हमारी थाली और शिविश के पापा ऑफिस जाने वाले हैं, तो फटाफट से बना के इनको सब कर दिया। और दरसू यहाँ पर खीरा खा रही है, उसको देख के रहा नहीं जाता क्योंकि उसको खीरा पसंद है, तो खीरा खा के देख रही थी और टीवी भी चली हुई है साथ में, तो टीवी भी देख रही है। शिविश के पापा ने बोला बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप सब बताइएगा आप लोगों को कढ़ी कैसी लगती है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, झोली भात कढ़ी पलो। और ये शिविश के पापा हो चुके हैं रेडी ऑफिस जाने के लिए, दोनों बच्चे चिपक के प्यार कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।